चुका है। देखो कई लोगों को भ्रांति है। अभी दो तीन दिन पहले मेरी किसी से बातचीत हुई फोन पर, तो बातचीत करते 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 वो क्या बोले, क्या जहर खा ले तो अच्छा है। अरे थोड़ा विचार तो करो, जहर खाने से कई लोग सोचते हैं कि यहाँ की आफत मिट जाएगी, यहाँ की आफत नहीं मिटेगी जहर खाने से, आगे यहाँ से डबल ट्रिपल छह गुना आपत्ति आ रही है आगे, छह गुना। क्योंकि आत्महत्या करने वाला भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, 10,000 जन्म तक वो घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। अरे पीने को पानी नहीं मिलेगा, अरे पानी पिलाओ रे, पानी पिलाओ रे बोलता रहेगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा, मरेगा पूरी तरह। थोड़ा तो विचार करो, या तो एक ही आपत है, सहन करके कैसी करके। देखो संसार में रहना है तो सबसे बड़ी विद्या, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा उपाय यही है कि सहन करो। इसलिए गीता जी का दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक आया, तितिक्षा, जो सहन कर ले वही बड़ा भारी तप है। एक तो आदमी चला के एकादशी का व्रत करे, एक आदमी को भोजन नहीं मिले चाहते हुए भी, वो बड़ा सबसे बड़ा व्रत है। तो इसलिए कभी भी किसी को भी आत्महत्या नहीं कर दीजिए। कई लोग तो देखा नहीं आपने भागवत कथा में, वो दुधकारी, हालांकि वो आत्महत्या तो नहीं करी और बेमौत मारा उनको, लेकिन देखो भूत भूत बढ़ गया। तो जो आत्महत्या करता है, शास्त्र में यहां तक विधान है, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके मरने के बाद में कोई उसके लिए दान पुण्य करे तो महाराज उसको पाप लगता है, ऐसा शास्त्र दिखा है। तो इस प्रकार से आत्महत्या करना कोई मनुष्य बना नहीं है। अगर आत्महत्या कर ले तो मनुष्य में और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं। तो सार बात यही है, तो अपना साधन क्या, सहन करना। आजकल लोग छोटी छोटी बातों में सहन नहीं करते हैं।